For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबील अकबर चौधरी है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एजाजी नंबरों से किया। उसके बाद अपनी मेडिसिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया। मेरी तमाम ट्रेनिंग पंजाब कार्डियोलॉजी की है और उसके बाद पिछले 7 सालों से मैं पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से काम कर रहा हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी दिल की नालियों की तंगी, उससे होने वाली तमाम दिल के पट्ठों की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर। सबसे ज़रूरी इसमें है कि उन वो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है उनको अपना चेकअप 40 ज़रूर करना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी जिनके फैमिली में चचा मामा मामू ताए या वालदैन या बहन भाइयों में बीमारी है उनको अपना 40 की उम्र में ज़रूर स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए, चाहे उनको अलामत हों या ना हों। इसके अलावा वो हाई रिस्क ग्रुप जैसे शुगर वाले पेशेंट्स जिनको या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और जो सिगरेट पीते हैं उनको भी अपना चेकअप 40 की उम्र में ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़रूरी वो लोग हैं जिनको अलामत हो रही हैं, यानी छाती में दबाव है, सांस चलने फिरने पे सांस चढ़ता है, खाने पीने के बाद सीने में वज़न होता है या जो है कह आती है या सांस चढ़ता है या ठंडे पसीने आते हैं, उन लोगों को फौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। बाएं बाजू की पेन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक दिल का आर्जा है और दूसरा पट्ठों की तकलीफ़ हो सकती है, गर्दन की मोहरों की तकलीफ़ हो सकती है, कंधों के जोड़ों की तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे जो है ख़तरनाक चीज़ है वो दिल का आर्जा है। सो अगर आपको ऐसी तकलीफ़ होती है तो अपना मुआयना दिल के मौलवी से ज़रूर कराएँ ताकि तशीस हो सके कि आपको दिल की तकलीफ़ है या किसी और वजह से ही आपको बाएं बाजू में तकलीफ़ हो रही है। दिल के अटैक के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, एक को हम टिपिकल कहते हैं और एक को एटिपिकल कहते हैं। टिपिकल सिम्टम्स तो जो है सीने में दर्द होना, सीने में वज़न पड़ जाना, भार पड़ जाना, जबड़े में दर्द होना या सीने की दर्द, कमर के पीछे जाना, ये इनको हम टिपिकल सिम्टम्स कहते हैं। एटिपिकल सिम्टम्स एकदम सांस ख़राब हो जाना, सीने में खाने पीने के बाद सीने में वज़न पड़ जाना, खाने पीने के बाद मतली होना या ठंडे पसीने आना या चक्कर आना, ये तमाम अलामात दिल की हो सकती हैं। अगर आपको ये अलामात हो रही हैं तो फौरन अपनी ECG कराएं और दिल के मालिक से रुजू करें। दिल के अटैक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं जो दिल का अटैक होता है। अगर आप किसी को महसूस कर रहे हैं कि इसको या आपको महसूस हो रहा है कि दिल का अटैक हो रहा है तो फौरन डिस्प्रिन चबाने को दे दें। इससे 30% कहा जाता है कि 30% से ज़्यादा लोगों को नालियाँ खुल जाती हैं और दिल के अटैक की बहुत सारी शिद्दत कम हो जाती है। और सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कभी किसी को महसूस हो कि अगर दिल की दर्द हो रही है या किसी आपके साथ जानने वालों को सीने में दर्द हो रही है तो फौरन उसको डिस्प्रिन चबाने को दे दें और अस्पताल की तरफ रुजू करें। एंजियोप्लास्टी एक टेस्ट है जिससे हम दिल की शरियानों की तंगी के बारे में जानते हैं। इससे आपके हाथ की नस को या रान को सुन करके हम एक ट्यूब डालते हैं, दिल की नाली तक हम डालते हैं और डाई इंजेक्ट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि आपके दिल की नालियों में तंगी है या नहीं है और अगर है तो कितनी तंगी है, मामूली है, दरमियानी है, शदीद है। मामूली तंगी को दवाइयों अब उसको देखा जाता है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। इसकी ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली तंगी के मुताबिक होती है। तंगी ज़्यादा हो तो उसको स्टेंट किया जाता है और तंगी कम हो तो उसको दवाइयों पर रखा जाता है। जब उसको स्टेंटिंग में हम स्टेंट डालते हैं तो उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी बस एक ही नाम है बेसिकली। और स्टेंट का ये होता है कि जब हम नाली तंग हो तो उसमें हम एक तार डालते हैं और उसके अंदर उसके बलून करके उस नाली को हम खोल देते हैं ताकि जो खून का बहाव है वो रिस्टोर हो जाए।
स्टेंट्स दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट ईयर स्टेंट्स कहते हैं और एक सेकंड ईयर स्टेंट्स कहते हैं। फर्स्ट ईयर स्टेंट्स वो होते हैं जो FDA पे अप्रूव्ड होते हैं और दुनिया जहां में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड ईयर स्टेंट वो होते हैं जो FDA अप्रूव्ड तो नहीं होते लेकिन यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन काउंसिल से अप्रूव्ड होते हैं और वो भी स्टेंट्स ठीक होते हैं। नॉर्मली जो FDA है वो टाइम ज़्यादा लेती है अप्रूवल के लिए, स्टेंट्स के ऊपर रिसर्च ज़्यादा होती है तो उनकी अप्रूवल ज़रा लेट आती है, यूरोपियन वाले उनकी स्टेंट्स ज़्यादा कर देते हैं। और ये तमाम स्टेंट्स ठीक होते हैं, इनमें तमाम कोई स्टेंट पाकिस्तान में नहीं बनता, ये तमाम स्टेंट्स बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और जब ये लगाए जाते हैं तो ये उसकी जो स्टिकर है वो पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनको पता चले कि उनको कौन सा स्टेंट लगाया गया है। तो हाल ही में बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आई कि स्टेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये स्टेंट नहीं बनते और ये तमाम स्टेंट्स इम्पोर्ट होते हैं और क्वालिटी के स्टेंट्स होते हैं। और अगर आप अच्छी जगह से अपनी स्टेंटिंग कराएं तो मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसी चीज़ होगी। हाइपरटेंशन एक को हम एक साइलेंट किलर कहते हैं, इसके वजह ये एक बीमारी तो है ही है लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी जन्म लेते हैं। मसलन इससे दिल का आज़ा लाख हो सकता है, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, दिमाग की शरियान को प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आँखों की पुतलियों मुतासर हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला ये है कि इसके साथ सालाना 94 लाख डेथ्स होती हैं और ये एक इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं कि अक्सर मरीज़ को उस वक्त पता चलता है जब उसकी कोई ना कोई पेचीदगी हो जाती है। तो इसलिए हम और दुनिया जहां में रिसर्च जो हुई है उसमें ये देखा गया है कि 50% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और वो तब ही पता चलता है जब वो अस्पताल में किसी और रीज़न या किसी पेचीदगी की वजह से जाते हैं। सो अगर आपकी दिल के आपके आपके घर में दिल की बीमारी है या आपके फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या आपको अलामत महसूस हो रही हैं जैसे सर का भारीपन होना, चलने फिरने में सांस चढ़ना या कोई और सांस चढ़ना या सीने में दबाव होना तो हमारा और तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं क्योंकि और इसकी इलाज ज़रूरी है बिकॉज अगर ये इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का मूजब बनता है। अगर आप मुझसे अपना मुआयना पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में कराना चाहते हैं तो मरम की एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपना मुआयना तफसीली तौर पर करा सकते हैं।